आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोन वाले कब तक आप लोग का पीछा छोड़ने वाले हैं, कब आप लोग का पीछा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर आप लोग किस परेशान करते रहेंगे, इस पे हम लोग आज वीडियो पे बात करने, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लोग इसी तरह लोन के रिगार्डिंग कंटेंट्स चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग के जो जो भी लोन अमाउंट चल रहे हैं, जो भी लोन डिफॉल्ट चल रहे हैं, मान लीजिए मल्टीपल लोन अकाउंट से, कोई अलग अलग एनबीएफसी एप्लीकेशन से या फिर बैंक से आप लोग का मल्टीपल लोन चल रहा है, क्या उन लोग से आपका पीछा छूटेगा या नहीं छूटेगा, इस पे आप लोग ये वीडियो पे आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही बताने वाले हैं। आप लोग मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप लोग ने किसी को पैसा दिया, आप लोग ने किसी को मान लीजिए आप लोग ने 1 लाख रुपए किसी अपने दोस्त को दिया, ठीक, आप उनसे मांग रहे हैं, फिर पैसा मांगना है आपको, आप उनसे मांग रहे हैं, मान लीजिए 1 महीना बाद आपने मांगा है मेरा पैसा दे दो, उन लोगों ने बोला है, टहलाते जा रहे हैं, मतलब डेट पे डेट दिए जा रहे हैं कि इस पे इतना दिन पे आपका रिपेमेंट कर देंगे, आपका ये पैसा वापस कर देंगे, इतना दिन पे आपका पैसा वापस कर देंगे, पर वो लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग सोचेंगे कि भाई अब तो ये पैसा देने वाला है नहीं, अब आप लोग का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आप लोग कुछ दिन, मान लीजिए पहले आप लोग डेली बोल रहे थे, अब क्या करेंगे, आप लोग 1 दिन छोड़ के बोलिएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 1 हफ्ते पे बोलिएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 1 महीना बाद बोलिएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, 2 महीना बाद बोलिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, 3 महीना बाद बोलिएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे भाई अब मेरा पैसा डूब गया, आप छोड़ दो, इससे मांगने का कोई फायदा है नहीं, ये देने वाला है नहीं, यही आप लोग सोचिएगा। वैसे ही बैंक भी ऐसी सोचती है, आप लोग के ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं होती है, ये आप लोग जान लीजिए। और आप लोग बैंक या एनबीएफसी भी यही सोचती है कि पहले क्या करेगी, स्टार्टिंग में आप लोग ने भी देखा होगा, स्टार्टिंग में आप लोग को बहुत कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत रिकवरी एजेंट आप लोग को भेजना स्टार्ट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कॉल आना कम हो जाता है, रिकवरी एजेंट आना कम हो जाता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, आप लोग रिकवरी एजेंट आना बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप लोग के रिकवरी एजेंट का भी आना बंद हो जाएगा, कॉल भी आना बंद हो जाएगा, आप लोग को इस एप्लीकेशन से कोई लेना ही देना नहीं होगा, ऐसा टाइम भी आ जाएगा। तो आप लोग को डरना नहीं है, और आपका ये जो एप्लीकेशन है वही 3 साल 2 साल जो भी है, ये इतना ही टाइम के लिए आप लोग को जिंदगी बर्बाद करेगी नहीं, ये सब कुछ नहीं करने वाली, बस सिविल आपका एक डाउन हो जाएगा, आपका अकाउंट एनपीए में चला जाएगा, उससे फ्यूचर में आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, बस यही होगा, और आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एग्जांपल बताया, आप लोग अपने से सोचिए कि कोई भी कितना ही आपको ये करेगा, हरास करेगा, परेशान करेगा, कितना ही करेगा, एक लिमिट ऑफ टाइम तक ही करेगा, ऐसा नहीं है कि सालों साल, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल वो 10,000 या 20,000 या 1 लाख का लोन के पीछे आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपसे जब जान रहा है कि आपसे पैसा नहीं आने वाला फिर भी आपके पीछे पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको देखिएगा 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल ये लोग ऐसा करेंगे, उसके बाद आप लोग को भूल, आप लोग को भी भूल जाएगा, आप लोग भी उनको भूल जाएगा, ऐसा होगा। तो आप लोग को डरना नहीं है, अगर आप लोग को कोई भी लोन रिगार्डिंग कंटेंट्स पे ऊपर वीडियो चाहिए, आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियो लेके आएंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया चैनल को, वहाँ जहाँ पे आप लोग को कुछ बातें करनी होती है जो कि और भी डिफॉल्टर्स हैं उनसे, हमारे कस्टमर से, हमारे सब्सक्राइबर से आप लोगों को बात करनी होती है या हमसे बात करनी होती है, तो वहाँ आप चैनल पे टेलीग्राम लिंक पे आ करके, टेलीग्राम चैनल पे आ करके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ हम लोग आपके से कम्युनिकेट करेंगे, आप लोग की जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे सुनेंगे, और यहाँ पे भी तो सुनते ही है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिए, हम लोग आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक इस वीडियो में चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।